डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा था। उसके लिए हम लोगों ने नॉर्मल क्रॉस के डिफरेंट टाइप्स लाइक मोनोहाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, डाईहाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस यूज करके हम लोगों ने डिफरेंट रेशियोज निकालना देखा था। आज के क्लास में हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीन इंटरेक्शन जो है मॉडर्न जेनेटिक्स का ये पार्ट होता है। और जब तक हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तब तक हम लोग कुछ एजम्पशन माने थे। वो एजम्पशंस आज के क्लास में मॉडिफाई होंगे, कुछ नई बातें वो देखने को मिलेंगी। हम एक एक करके पहले ये देख लें पहले कि मेंडेलियन जेनेटिक्स किन एजम्पशन पर बेस्ड है और जो मॉडर्न जेनेटिक्स में उनको कैसे मॉडिफाई किया गया है। अगर हमें सारी बातें अगर समझ लेते हैं कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड हाउ दे आर मॉडिफाइड इन मॉडर्न जेनेटिक्स, तो इन बातों को समझने के बाद हम बहुत इजिली इन सारी बातों को देख पाएंगे कि जीन इंटरेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है, कौन कौन डिफरेंट टाइप के जीन इंटरेक्शंस होते हैं और क्या उनके रेशियोज होती हैं। तो हम वन बाय वन यही दिखाने चल रहे हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या हम सपोज करते हैं और मॉडर्न में कैसे वो मॉडिफाई होता है। तो पहला एजम्पशन ये होता है, याद रखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि ईच एंड एवरी मेंडेलियन ट्रेट हैज ओनली टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, वन इज कॉल्ड डोमिनेंट फॉर्म व्हाइल अदर इज रिसेसिव फॉर्म, एंड दीज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर नोन एज एलील्स ऑफ ईच अदर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मेंडेलियन जेनेटिक्स इज बेस्ड अपॉन डाई एलीलिक कॉन्सेप्ट। ये बात हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स हम क्या पढ़ते हैं, हम डाई एलीलिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डाई एलीलिक कॉन्सेप्ट इसमें कहा गया था कि वन कैरेक्टर हैज ओनली टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, वन कैरेक्टर एंड ओनली टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, या एलील को हम कह रहे थे। ये मेंडेलियन में कहा गया था, यानी कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी वो ये कह रही थी। लेकिन मॉडर्न क्या कहती है कि देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स व्हिच मे हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स नोन प्रेजेंटली व्हिच मे हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, क्या कहते हैं, जब हम मेंडेलियन को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सेवन कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट पढ़े थे और ईच एंड एवरी कैरेक्टर को हम लोगों ने टू फॉर्म्स में दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट हाइट हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म, वन इज डोमिनेंट दैट इज टॉल, अदर इज रिसेसिव दैट इज ड्वार्फ। सिमिलरली फ्लावर कलर के दो फॉर्म कहे गए थे, जैसे रेड या व्हाइट या पर्पल एंड व्हाइट कहा गया था। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे तमाम कैरेक्टर हैं जिनके मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म पॉसिबल है और ये कैरेक्टर हमको अपने अपने ह्यूमन बॉडी में मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन स्किन कलर ले लीजिए आप, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर आप लोगों ने किसी छोटे से टाउन में देखा होगा कि मोर देन टू स्किन कलर के ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट हो सकता है। आपने अपने मोहल्ले में आप देख लीजिए, अपने घर में ही आप चाहे देख सकते हैं कि मोर देन टू स्किन कलर वाले ह्यूमन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इस समय कोई ज्यादा फेयर कलर का होता है, कोई कम फेयर कलर का होता है, कोई सांवला होता है, कोई ज्यादा सांवला होता है, कोई काला होता है। तो पूरे ऑल वर्ल्ड में अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को देखा जाए तो आपको सो मेनी स्किन कलर दिखाई पड़ जाते हैं। इसका मतलब ह्यूमन स्किन कलर एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी कि मोर देन टू स्किन कलर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स यहां क्या हो रही, वायोलेट हो रही है। मेंडेलियन क्या माना गया था कि वन कैरेक्टर मे हैव ओनली टू अल्टरनेटिव फॉर्म, वन इज डोमिनेंट व्हाइल अदर इज रिसेसिव। बट हमने जो आपको ह्यूमन स्किन कलर के बारे में बताया तो आप जानते हैं दुनिया में कई स्किन कलर के लोग हो सकते हैं, यानी स्किन कलर अगर हमारा कैरेक्टर है तो इसके मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म से रिलेटेड यहां पर हो सकते हैं। सिमिलरली ह्यूमन हाइट को आप ले सकते हैं, ह्यूमन हाइट, और ह्यूमन हाइट में ध्यान दीजिए, ह्यूमन हाइट को अगर हम कहें कि ये मेंडेलियन सपोजिशन को फॉलो कर रहा है तो पूरे वर्ल्ड में टू टाइप के ह्यूमन बीइंग्स होने चाहिए, वन डोमिनेंट यानी कि टाल होने चाहिए और अदर रिसेसिव में ड्वार्फ होने चाहिए, यानी खाली दो ही तरह के लोग होने चाहिए, एक होने चाहिए सबके सब 8 फीट वाले, बाकी होने चाहिए सब 2.5 फीट वाले, ऐसे होने चाहिए। जबकि आप जानते हैं ऐसा नहीं होता है, देयर आर सो मेनी हाइट रेंजेस इन ह्यूमन हाइट।
कुछ लोग 8 फीट के भी हैं, ड्वार्फ हाइट 2-2.5 फीट वाले लोग भी आप जानते हैं दुनिया में है, और बाकी डिफरेंट हाइट रेंज के होते हैं, कोई 4 फीट का है, कोई 4.5 फीट का है, कोई 5 फीट का है, मतलब डिफरेंट हाइट रेंजेस के आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं ऑल वर्ल्ड में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ह्यूमन हाइट भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपको मिल सकते हैं, यानी यहां पर भी आप देखें मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉलो नहीं हो पा रही है। सिमिलरली आप जानते हैं अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में भी अगर हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स अप्लाई करें तो क्या होगा, सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर कोई क्लास पढ़ाया जाए और पढ़ा के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बीच टेस्ट लिया जाए, तो मेंडेलियन सपोजिशन क्या कहता है कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स। इसका मतलब कि बस उस पूरे क्लास में 2 ही तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो होंगे जो 100 out of 100 स्कोर करेंगे और दूसरे होंगे जो बिल्कुल 0 स्कोर करेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि खाली 2 ही तरह के लोग हों, एक 100% पाए और बाकी सब 0 पाए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है 100% पाने वाले भी लोग होते हैं, हो सकता है कोई 0 पाए भी हो सकता है, लेकिन बाकी सारे परसेंटेज भी मिल सकते हैं। हो सकता है कोई 10% स्कोर करे, कोई 20 करे, कोई 30 करे, कोई 35 करे, कोई 75 करे, कोई 95 करे, कोई 80 करे, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है इसके भी केवल 2 फॉर्म्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहुत इंटेलिजेंट हो और बाकी सब के सब डफर ही 2 तरह के लोग हों, या दुनिया में खाली इंटेलिजेंट और डफर लोग ही नहीं पाए जाते। आप जानते हैं कि डिफरेंट IQ रेंज के ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं, या यहाँ पर भी अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक कैरेक्टर मान लें तो इसके भी मोर देन 2 alternative forms अवेलेबल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेंडेलियन जेनेटिक्स किस पर बेस्ड है कि 1 character हैज ओनली 2 alternative form। तो मॉडर्न क्या कर रही है, इन सारे एग्जांपल्स को लेने के बाद हम ये कह सकते हैं क्या कि 1 character करेक्टर और क्या हो सकता है, मे हैव मोर देन 2 alternative forms। एक ही करेक्टर के मोर देन 2 alternative forms हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी वो डाई एलेलिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। तो ये जेनेटिक्स क्या कह रही है, मोर देन 2 alternative मतलब क्या हुआ था लीजिए, इसी को इनफैक्ट हम लोग कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। इसी का दूसरा नाम क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म हो सकता है, होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया, बल्कि ये कह लीजिए कि उस समय हमारा जो नॉलेज था वो लिमिटेड था, हमने सिर्फ उन्हीं करेक्टर को स्टडी किया जिनके ओनली 2 alternative forms थे, ओनली 2 alleles थे। आज आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड जेनेटिक्स का स्टडी हो रहा है, और आप जानते हैं कि जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसपे ज्यादा वर्क किया है फिजिक्स वालों ने, ज्यादा काम किया है मैथ्स वालों ने काम किया है, यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका व्यक्ति जेनेटिक्स न जानना चाहता हो। इस तरह से जो लाइफ साइंस के लोगों ने जेनेटिक्स पे कम काम किया है। जेनेटिक्स को आप यूं समझ सकते हैं कि जेनेटिक्स में जो जीन आप जानते हैं, जीन का सोच के आप जानते हैं क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, और क्रोमोसोम आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस कहां पर होता है, सेल के अंदर होता है, और सेल कहां होती है आप जानते हैं कि लिविंग बॉडी का पार्ट होती है। तो इस तरह से लाइफ साइंस वाले सिंपली समझिए जेनेटिक्स का डाटा प्रोवाइड करते हैं, और डाटा को लेकर तमाम एक्सपेरिमेंटेशन एनालिसिस और जो कंक्लूजन ड्रा किए जाते हैं उसको ड्रा करने में लाइफ साइंस वाले तो है ही हैं, साथ में आप जानते हैं फिजिक्स वाले, मैथ वाले, डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग लगे हुए हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड वाइड यहाँ जो स्टडी हुआ है उसके बाद पता चला है कि ठीक है ऐसे भी करेक्टर हैं जिनके 2 केवल alternative forms होते हैं, इनके डाई एलीली कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे भी जो आप सामने करेक्टर में लिख दिए यहाँ पर ह्यूमन स्किन कलर का एग्जाम्पल हो सकता है, ह्यूमन हाइट हो सकता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जहां पर एक ही करेक्टर के मोर देन 2 alternative forms हो सकते हैं। तो इस तरह से द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ मोर देन 2 alleles ऑफ सेम करेक्टर सेम जीन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। यानी हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, मल्टीपल एलिलिज्म की बात हम लोग करने वाले हैं, यानी कि सेम जीन में है मोर देन 2 alternative forms, इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। इस तरह से हम लोग बातें आप दिखाई पड़ेगी। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आप सब लोग जानते हैं
कि जो ह्यूमन ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप वाला जीन है, देखो मान लो हम लोग आई से लिखते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा इसके थ्री फॉर्म्स होते हैं ना, एक आप लिखते हैं आई ए से, अगला लिखा जाता है यहाँ पर आई बी से, और अगला लिखा जाता है आई ओ से, ये सबको पता है। और भी ढेर सारे केस हम लोग बाद में पढ़ने वाले जब आएगा टॉपिक, तो हम कह सकते हैं कि सेम जीन मे हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स एंड द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ सेम जीन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म, या द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के मोर देन टू फॉर्म्स हो जाएं, उसको हम कहेंगे यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म कहेंगे। इस तरह से मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ रहे थे, तब तक हम लोग खाली अपने आप को लिमिट कर रहे थे किस पर, डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट पर। हम केवल यही मान के चल रहे थे कि वन कैरेक्टर के वन जीन के खाली बस दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स या एलील हो सकते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मल्टीपल एलिलिज्म की बात भी होती है, यानी सेम जीन मे हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म मींस एलील, या सेम कैरेक्टर मे हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी कि एलील्स। तो इस तरह से मेंडेलियन जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसमें हमको मल्टीपल एलिलिज्म भी मिलती है। अगली बात हम क्या ले सकते हैं, देखिए वहां पे हम लोग ये पढ़े थे मॉडर्न में, सॉरी मेंडेलियन में, कि वन कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय ओनली वन जीन, ऐसा हम पढ़े थे। हम लोग वहां पर क्या पढ़ रहे थे, हम लोग मेंडेलियन में क्या पढ़ रहे थे आदर के, कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन एंड वन जीन इन टर्न रेगुलेट्स द कैरेक्टर ऑफ ओनली वन, वन जीन इन टर्न रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, यानी वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, हमें कह सकते हैं, या वन जीन कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर और जीन में वन और वन का रेशियो है, यानी वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन। इसको हम पलट क्या कर सकते हैं कि वन जीन कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, ऐसा हम लोग कह रहे हैं, कह सकते हैं। लेकिन मॉडर्न में क्या कहा गया है, मॉडर्न में ये देखने को मिला है, देखिए मेंडेलियन में जो मिला है वो गलत नहीं है, वो भी है, और उसके अलावा जो नया कहा जा रहा है वो भी है, ऐसा मत समझिए कि ये सारी बातें गलत हो गई, नहीं, कुछ केसेस में ये अप्लाई है, हम खाली पहले यही जानते थे, और जब अब हमारा जब यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है जेनेटिक्स के स्टडी का, तो उस कंडीशन में इसके साथ साथ हमको तमाम ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिले हैं जहां पर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर मे बी कंट्रोल्ड बाय ओनली, सॉरी ए पर्टिकुलर कैरेक्टर मे बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। तो मॉडर्न में हमको क्या नया मिला है, तो मॉडर्न में ये मिला है, इन सारी बातों को आप एक एक करके आप याद रखेंगे, तो मॉडर्न में हमें क्या मिला है, ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कि वन कैरेक्टर मे बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, एक कैरेक्टर एक से अधिक जीन से गवर्न होते हैं या हो सकते हैं, तो ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिनको हम जानते हैं जो मोर देन वन जीन से गवर्न होते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमने एग्जांपल दिया था अभी आपको ह्यूमन हाइट का, ह्यूमन स्किन कलर का, तो वहां पे आप जानते हैं ह्यूमन स्किन कलर में तो जो यूनानिमस जो बात कही गई है, यानी ह्यूमन स्किन कलर का बेस्ट एग्जाम्पल है, और जो यूनानिमस है वो ये है कि ये टू जीन से गवर्न होती है, और कुछ साइंटिस्ट तो इसको थ्री जीन से गवर्न होता हुआ भी मानते हैं। तो टू जीन पर तो यूनानिमिटी है, कम से कम कि दो जीन यहाँ पे गवर्न करते हैं, थ्री वाले भी कुछ लोग हैं, तो टू तो एटलीस्ट है यहाँ पर। इसका मतलब कि वन कैरेक्टर में भी कंट्रोल बाय मोर देन वन टू जीन, ऐसा भी हो सकता है। याद रखिए कि जब तक आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, हम वन वन का रिलेशन मानते हैं कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन, लेकिन जैसे ही आप मॉडर्न में आते हैं तो आपको ऐसी बात दिखाई पड़ती है कि जो आपने ऊपर कहा ऐसा भी होता है। और इसके अलावा हम ऐसे भी एग्जांपल जानते हैं जैसे हमारा ह्यूमन स्किन कलर है कि जहां पे वन कैरेक्टर में भी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, और ऐसे कैरेक्टर आप जानते हैं, आप में से कुछ याद है कौन सा एग्जाम्पल होगा, याद रखिए सच कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन आर नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स,
सच करेक्टर सार्मोनस पॉलीजेनिक ट्रेट्स, इनको हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, यानी पॉलीजेनिक ट्रेट्स की बात मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं कही गई थी। ये सब कैसे थे? ये सब थे मोनोजेनिक ट्रेट, ये मोनोजेनिक ट्रेट है, ये मोनोजेनिक ट्रेट है, यानी जब तक हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तब तक हम मोनोजेनिक ट्रेट की बात कर रहे होते हैं, और जैसे हम मॉडर्न में आते हैं तो वहां क्या मिलता है कि पॉलीजेनिक ट्रेट भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि मोनोजेनिक ट्रेट के साथ साथ पॉलीजेनिक ट्रेट्स भी होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका ह्यूमन स्किन कलर। तो इस तरह से आपको एक नई बात मिली जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं होती, या उसका एक्सेप्शन आप कह सकते हैं जो मॉडर्न जेनेटिक्स की पार्ट बनती है। सिमिलरली अभी आपने ऊपर कहा कि वन जीन मे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, ऐसा आपने कहा, वन जीन मे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर। तो यहां पे ऐसा मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा कि वन जीन, यहां पे था वन जीन वन कैरेक्टर, और यहां हम कहने जा रहे हैं वन जीन मे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर, एंड सच जीन, आप इनको जानते होंगे कि सच जीन्स आर नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स, ऐसे जीन कहलाते हैं। इन सब पे क्वेश्चन मिलते हैं, याद रखिएगा, प्लियो आप लिख दिया जाएगा, द प्लियोट्रॉपिक जीन्स आर, और नीचे ऑप्शन लिख दिए जाएंगे, जिस हिसाब से हमें लिखा मिल जाए कि द जीन विच मे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, द जीन विच मे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, उसी को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इस तरह से यहां पर आपका ही प्लियोट्रॉपिक जीन है, ये प्लियोट्रॉपिक जीन है। इस तरह से मेंडेलियन में क्या था कि वन जीन वन कैरेक्टर, हम कह रहे हैं वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर भी हो सकता है, यानी कि मोर देन वन कैरेक्टर भी पॉसिबल है, ऐसे भी जीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखा गया है तमाम प्लांट्स में देखा गया है कि वही जीन प्लांट में फ्लावर कलर को डिसाइड कर रहा है, सेम जीन यहाँ पे फ्रूट कलर को डिसाइड कर रहा है, और वही जीन यहाँ पे लीफ में जो वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट डॉटेड स्पॉट्स होते हैं, उनको भी डिसाइड कर रहा है। ऐसे ही आप जानते हैं फ्लावर कलर को भी डिसाइड करने में वो जीन इन्वॉल्व हो सकता है। तो जीन है वन, और कैरेक्टर कितने हो गए, फ्रूट कलर, लीफ कलर, यहाँ तक कि फ्लावर कलर को भी डिसाइड कर रहा होता है। तो सेम जीन में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, एंड सच जीन्स आर नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स। तो इस तरह से मेंडेलियन में कहा गया था कि कैरेक्टर और जीन में वन वन का रिलेशन होता है, और यहां देख रहे हैं कि इसके तमाम एक्सेप्शन दिखाई पड़ रहे हैं कि वन कैरेक्टर में भी कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन, यानी कैरेक्टर है वन तो जीन यहां पे है मोर देन वन। बेस्ट एग्जांपल आपका ह्यूमन स्किन कलर, और ऐसा कैरेक्टर क्या कहलाता है, पॉलीजेनिक ट्रेट कहलाता है, याद रखिएगा। इस तरह से यहां पे आप कह रहे हैं मेंडेलियन में कि वन जीन वन कैरेक्टर, और यहां कह रहे हैं वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर, एंड सच जीन्स आर नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स। इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियरली शो कर रहे हैं कि मेंडेलियन में हम कुछ और पढ़े थे, और अब हमको अपने इन कॉन्सेप्ट्स का और एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारे यहाँ पे और रिसर्चेस हुए हैं, और तमाम बातें हमारी और नई नई बातें हमको पता चली है। चलिए एक और नई चीज को लेते हैं। वो चीज ये है कि जब तक हम मेंडेलियन को पढ़ते हैं, हम मान के चलते हैं कि वन जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, दैट इज एलील्स इन विच वन इज डोमिनेंट व्हाइल अदर इज रिसेसिव। यानी जब तक हम मेंडेलियन को पढ़ रहे होते हैं तब तक क्या मान के चलते हैं, हम मेंडेलियन जब तक पढ़ रहे होते हैं तब तक मानते हैं कि ओनली डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन इज फाउंड बिटवीन टू एलील्स ऑफ ए जीन, ओनली डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप इज फाउंड, ओनली डोमिनेंट रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन टू एलील्स ऑफ ए जीन। हम वहां पर खाली ये बात कर रहे थे, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप की बात हम लोग कर रहे थे, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप की बात हम लोग करते हैं, है ना, कि वन जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म नोन एज एलील्स, यानी वन जीन मे हैव टू एलील्स इन विच वन इज डोमिनेंट व्हाइल अदर इज रिसेसिव, ऐसा हम कर रहे थे।
लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, मॉडर्न में क्या कहने वाले हम लोग कि ठीक है कुछ जीन्स ऐसे होते होंगे जो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो करते हैं, बट मॉडर्न टाइम में हम तमाम ऐसे यहाँ पे इंस्टेंसेस एग्जांपल्स हम जानते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। जैसे हमने आपको कुछ और बताया था पहले भी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल जीन रिलेशन, डिफरेंट टाइप के एपिसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, दुनिया तक कई तरह के हम लोग जीन्स आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे खाली बस हम लोग सिंगल टाइप के रिलेशनशिप की बात किए थे, वो था डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, जबकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जीन इंटरेक्शन का, इसमें आगे आएगा कि हम लोग डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप देखेंगे, जिसमें कुछ इंटरजेनिक होंगे, कुछ यहाँ पे इंट्राजेनिक रिलेशनशिप दिखाई पड़ेंगे हमको, उसमें से जैसे हम मेन एग्जांपल आपको बोल दे रहे हैं, आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे उसको, और वो क्या होते हैं आप जानते हैं कि वो आपका होता है को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लीथल जीन रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेटिक जीन, हाइपोस्टेटिक जीन, डुप्लीकेट जीन, मॉडिफायर जीन, तरह तरह का रिलेशन आप देखने वाले हैं। तो सारी बात डिटेल हम लोग आगे देखने वाले हैं, खाली मैंने बता छोड़ दिया कि यहाँ पर आपको मॉडर्न में इनके अलावा और कई तरह के रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट हम लोग का ये भी रहा। अगली बात देखिए, ऐसा अगला पॉइंट हम जो लेने वाले हैं, जो मेंडेलियन में कुछ और कहा गया था और मॉडर्न में कुछ और कुछ अलग कहा गया है, वो ये ध्यान दीजिएगा कि वो बात ये थी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप करिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं फ्लावर कलर की बात करूं, और मान लिया जाए कि हम यहां पर फ्लावर कलर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, वन इज डोमिनेंट जिसको हम रेड से लिखने जा रहे हैं, वन इज रिसेसिव जिसको हम व्हाइट से लिखने जा रहे हैं। तो इस तरह से फ्लावर कलर के टू अल्टरनेटिव फॉर्म हमने कर दिया रेड एंड व्हाइट, उसके जीन को मान लीजिए अगर हम आर से लिखते हैं तो उसके फॉर्म क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर ये जो रेड कलर को रेगुलेट करेगा और स्मॉल आर जो कि व्हाइट कलर को रेगुलेट करेगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब हम लिखते हैं कैपिटल आर तब भी फ्लावर कलर हम लोग रेड लिखते हैं, जब हम लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर तब भी हम लोग फ्लावर कलर यहाँ पे रेड ही लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा हम लोग करते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर मैं टू कैरेक्टर ले लेता, मान लीजिए मैं फ्लावर कलर और प्लांट हाइट अगर ले लूं, फ्लावर कलर और प्लांट हाइट अगर ले लूं, या ध्यान दीजिए मान लीजिए हमने फ्लावर कलर के लिए हमने आर लेटर सेलेक्ट किया है और प्लांट के लिए हम टी ले लेंगे प्लांट हाइट के लिए, तो उस केस में ध्यान दीजिए अगर मैं लिखता हूं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल टी, तो क्या हो जाएगा इसका फिनोटाइप, रेड एंड टाल होगा, सबको पता है क्या हो जाएगा, रेड एंड टाल ये हो जाएगा। ऐसे अगर मैं करता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल टी, यहां भी याद रखिए हम रेड एंड टाल ही लिखेंगे क्योंकि स्मॉल आर हमारा रिसेसिव है और डोमिनेंट यानी कैपिटल आर के प्रेजेंस में स्मॉल आर यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप हम लोग फॉलो करा रहे हैं और आप जानते हैं डोमिनेंट के प्रेजेंस में रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, ऐसा होता है। अच्छा ऐसे ही मान लीजिए हम यहां ऐसे लिखते हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी हम वही लिखेंगे रेड एंड टाल, यहां भी देखिए हमारा रेड एंड टाल ही होगा, यहां भी वही हाल होगा। और अगर मैं लिखूं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी हम लोग यहां पर रेड एंड टाल ही लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि रिसेसिव जो है अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, यानी कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, यानी टाल ही होगा। और सिमिलरली कैपिटल आर यानी कि एलील फॉर रेड फ्लावर कलर के प्रेजेंस में स्मॉल आर यानी व्हाइट वाले का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आप जरा देखिए जैसा अगर मैं देखूं अगर मैं डोमिनेंट एलील को काउंट करूं, यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 डोमिनेंट डोजेस हैं, ध्यान दीजिए हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पे 4 डोमिनेंट डोज हैं, तब भी आप वही कलर वही फिनोटाइप लिख रहे हैं। यहाँ देखिए डोमिनेंट कितना हुआ, मतलब कैपिटल काउंट करिए तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे खाली 3 डोमिनेंट डोज आप एलील है, तब भी आप वही लिख रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर वही 1 2 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ तक होगा ही होगा। ऐसे यहाँ देख रहे हैं कि 1 एंड 1 2 खाली 2 डोमिनेंट डोज हैं, तब भी हम लोग वही रेड एंड टाल लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब तक हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ रहे होते हैं तब तक हम क्या करते हैं, हम इस बात पे कोई यहाँ पे ध्यान दीजिए इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हाउ मेनी डोमिनेंट डोजेज ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट। 4 डोमिनेंट डोज है तब भी रेड एंड टाल, 3 हो गया तब भी रेड एंड टाल, 2 हो गया तब भी रेड एंड टाल,
यानी कि नंबर ऑफ डोमिनेंट डोज से फिनोटाइप अफेक्टेड नहीं होता है। तो अफेक्टेड किस पे होता है, याद रखिए कि बस वो अगर एलील प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट वही होगा, चाहे वो दो डोज में हो और चाहे सिंगल डोज में हो। साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर जीन फॉर रेड फ्लावर कलर की बात किया जाए तो चाहे दो डोज में यानी कैपिटल आर हो तब भी हम रेड लिखेंगे, और सिंगल डोज में हो कैपिटल आर तब भी हम वही लिखेंगे। यानी कि किसी करेक्टर के एक्सप्रेस होने पर उसके नंबर ऑफ डोज का, उसके क्वांटिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस इस बात का इफेक्ट पड़ता है कि वो फिनोटाइप, वो करेक्टर, वो जीन है कि नहीं है। यानी अगर कैपिटल आर जीन फॉर रेड फ्लावर कलर है तो चाहे वो टू डोज में हो और चाहे सिंगल डोज में हो करेक्टर वही रहेगा। ऐसे देखिए टी बजा देख लीजिए, जब दोनों कैपिटल टी हैं तभी हम टॉल लिख रहे हैं, और जब वन कैपिटल वन स्मॉल है तभी हम टॉल ही लिख रहे हैं। यानी कि कैपिटल टी के टू डोज और वन डोज का होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, टू डोज रहेगा तभी वही टॉल आएगा और सिंगल टी होगा तभी आपको वही टॉल आएगा। यानी कि क्वांटिटी का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है बल्कि क्वालिटी का इफेक्ट पड़ता है। हाँ, अगर मान लीजिए अगर हम लोग ऐसा लिख दें, हम यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल टी लिख दें, यानी हम कैपिटल टी को हटा दिए, तब देखिए हमारा फ्लावर कलर यहाँ कैसा है, सारी यहाँ प्लांट हाइट क्या हो जाएगी, तो हमारा फिनोटाइप यहाँ पे रेड एंड ड्वार्फ हो जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि ये फिनोटाइप इस बात से अफेक्टेड होता है कि वो एलील है कि नहीं है। देखिए यहां पर कैपिटल टी नहीं है तो उसका इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अगर है तो चाहे वन डोज में हो और चाहे टू डोज में हो, उस नंबर ऑफ डोज से कोई यहां पर डिफरेंस नहीं आता फिनोटाइप में। तो उसके होने या न होने मतलब क्वालिटी का इंपैक्ट तो है कि अगर जीन फॉर टाल प्लांट हाइट अगर नहीं रहेगा तो फिर टालनेस का करेक्टर नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो सिंगल डोज में है कि टू डोज में है इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे क्वालिटी का इफेक्ट होता है, क्वांटिटी का इफेक्ट नहीं होता है। वैसे भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि जब डोमिनेंट एलील फोर डोज है तभी वही करेक्टर दिखाई पड़ रहा है, जब थ्री डोज है तभी वही दिखाई पड़ रहा है, और जब टू डोज है तभी वही दिखाई पड़ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ डोमिनेंट डोजेस का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है बल्कि इस बात का इफेक्ट दिखता है कि कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है अथवा डोमिनेंट जीन है अथवा नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे डोमिनेंट अगर एलील है तो इफेक्ट उसका दिख रहा है, यानी उसका फिनोटाइप सिर्फ तभी बदलेगा, टाल का ड्वार्फ तभी होगा जब ये फिनोटाइप हमारा एलील एब्सेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी वो क्या थी, वो क्वालिटी पर डिपेंड कर रही थी, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही थी कि फोर डोज है तब भी वही एक्सप्रेशन वही फिनोटाइप और टू डोज है तब भी वही फिनोटाइप दिखाई पड़ रहा था। यानी कि जब तक हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तब तक हम बात क्या कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव, यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होती है क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है, ये होती है। लेकिन जरा देखिए अगर हम ह्यूमन स्किन कलर की बात करें और मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो यहाँ पे एलील्स हैं, हमने ए और बी दो जीन मान लिया कि दो जीन मिलके हमारे स्किन कलर डिसाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि किसी ह्यूमन बीइंग का जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल ए और कैपिटल बी ठीक, अगली बार मैं कर दूं कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी, और अगली बार अगर कर दिया जाए मान लीजिए कि यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा कर दिया जाए, तो ध्यान दीजिए जरा सा, अगर मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स को अगर यहाँ पे अप्लाई करूं जहां पे कह रहे हैं कि बस ए और बी का यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी का प्रेजेंट होना ही बस डिसाइड करेगा कि कलर कैसा होगा ह्यूमन स्किन कलर का, उनके नंबर से मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं। अगर नंबर की बात नहीं करनी है तो ठीक है भाई, कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पर भी है, कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पर भी है, कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पर भी है, जैसे वहां दिखाई पड़ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर स्किन कलर सपोज करिए कि यहाँ पर स्किन कलर नंबर अगर C1 होता है यहाँ पर भी आपका C1 ही होगा और यहाँ पर भी कलर आपका C1 ही होगा, ऐसा होगा अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स अप्लाई होती है तो, क्योंकि ए और बी यहाँ पर भी है, ए और बी वहां पर भी है और ए और बी कैपिटल बी यहाँ पर भी है, और आप देख रहे हैं कि बस डोज का कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, चार डोज होगा तो वही और दो डोज होगा तो वही। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 डोमिनेंट डोज है, यहाँ पे देख रहे हैं खाली 1 2 3 डोमिनेंट डोज है,
और यहाँ पे 1 and 1, 2 डोमिनेंट डोज है। तो अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स हम अप्लाई कर देंगे तो कहती है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो सेम फिनोटाइप होगा, चाहे भले ही उनका नंबर वेरी कर जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके 4 डोमिनेंट डोज है तो C1 होगा, 3 है तब भी C1 होना चाहिए और 2 होने पर भी C1 होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ह्यूमन स्किल के अंदर ऐसा नहीं होता, ये बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, ये सब एक जैसे नहीं होंगे। अगर यहाँ का फिनोटाइप यानी यहाँ पे स्किन कलर मान लीजिए अगर यहाँ पर C1 है तो सर्टेनली यहाँ पर अब C2 होगा और यहाँ पर C3 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड समझ लीजिए कि जिस ह्यूमन बीइंग का जीनोटाइप ऐसा होता है वो बिल्कुल कोल ब्लैक एकदम, आप देखते हैं ना निग्रोज होते हैं, तमाम जो निग्रोज दिखाई पड़ते हैं एकदम लगता है कि कोयले का बना हुआ आदमी है, तो जो आदमी बिल्कुल ब्लैक कोल कलर का होता है वैसा होता है। जहां पे डोमिनेंट डोज घट गए तो C2 यहां पर बना और C2 कलर नंबर C2 कैसा हो जाएगा कि इसका जो डार्कनेस है स्किन का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और यहां पे होने पे क्या हो जाएगा डार्कनेस और कम होने धीरे धीरे फेयर होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्किन कलर है तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे खाली डोमिनेंट एलील के प्रेजेंट होने से ही इफेक्ट नहीं पड़ता है बल्कि उसके नंबर से भी इफेक्ट पड़ता है। यानी 4 डोज अगर डोमिनेंट रहेंगे तो फिनोटाइप यानी कलर कुछ और होगा और अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट डोज अगर आप बदल के 3 कर देंगे तो कलर बदल के कुछ और हो जाएगा और 2 कर देने पर कलर कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ साथ हम ऐसे भी कैरेक्टर आज के डेट में जानते हैं जो क्या होते हैं, जो क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर डोमिनेंट डोज का नंबर आप बदल देंगे तो फिनोटाइप वहां पर बदल जाएगा। तो मॉडर्न टाइम में क्या है कि हम इसको तो जानते और मानते ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा हमें जानते हैं और यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इज आल्सो अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, यानी कि क्वांटिटी पर भी असर पड़ता है या क्वांटिटी का भी इफेक्ट होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। यानी मॉडर्न जेनेटिक्स में हम क्वांटिटी की भी बात करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की बात यहां पर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आपको कई पॉइंट्स बताए कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या माना जा रहा था और आज के डेट में क्या माना जा रहा है, यानी क्या हम और जान गए। तो मेरे कहने की ये मतलब कतई ही नहीं है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स की बातें यहां पर रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। मेंडेलियन जेनेटिक्स आप जानते हैं कि उस टाइम में रिसर्च कम हुआ था, हमारे पास डेटा कम थे, कम फील्ड के लोग इसको जानते थे, तो इसलिए हमने सारी केसेस की स्टडी नहीं की। वैसे सारे केस की स्टडी तो अभी आज भी नहीं हुई है, वो तो आप जानते हैं कि कंटिन्यूसली ग्रोइंग ब्रांच है और रिसर्च हो रहा है, नई नई केसेस मिल रही हैं, लेकिन जो मिली हैं उनको लेके हम बात कर सकते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के जितने भी फाइंडिंग्स हैं, जितने भी सपोजिशंस हैं जिनको मान के हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं उसमें तमाम बातें और जुड़ जाती हैं। यानी ये सारी बातें जो हैं वो मेंडेलियन जेनेटिक्स के एक तरह से एक्सेप्शन के रूप में देखी जा सकती हैं और जहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर इन सारी बातों को हम स्टडी करेंगे वहीं से आपका मॉडर्न वहां पर क्या कहते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, वो बड़ी बातें हैं, हम उसको याद दिखाते हैं आपको कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम एक और बात मानते थे। तो ये बात मानते हम लोग ये हैं कि अच्छा एक बात और समझिए कि मेंडेलियन जेनेटिक्स को ये मत समझिए कि जो मेंडल ने खाली कहा, ऐसा नहीं। मेंडल और उनके बाद उनके जो फॉलोवर्स थे यानी जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स में बिलीव करते थे, जो उसको मानते थे, तो उसके आगे की बात भी मेंडेलियन जेनेटिक्स में ही शामिल होती है। यानी ध्यान दीजिए हम लोग मेंडेलियन जो ऊपर हम बातें लिखते आ रहे हैं तो उन सारी बातों को मान के जो जेनेटिक्स स्टडी की जाती है उसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स ही कहते हैं। यानी जिस जेनेटिक्स में माना जाता है कि वन जीन कैन एक्सप्रेस द फिनोटाइप ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, ऐसा कहा गया था। हालांकि आप जानते हैं कि मेंडल साहब ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने तो फैक्टर वर्ड यूज किया था ना। तो जो मेंडल साहब का फैक्टर था वही आज हमारा जीन है, ठीक है ना। तो जो हम बार बार जीन वर्ड यूज कर रहे हैं याद रखेगा कि मेंडल साहब ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, उनको तो भी नहीं पता था कि जीन होता क्या है, वो तो बाद की सारी बातें हम देखेंगे आगे चल के, आप जानते भी हैं। तो जो जीन हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं वो मेंडल का यूज नहीं आप जानते हैं, मेंडल साहब तो फैक्टर वर्ड यूज किए थे और जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था उसी को आज हम जीन कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस जेनेटिक्स में ऐसा माना गया है कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन, वन जीन कंट्रोल्स ओनली वन कैरेक्टर, ठीक, वन कैरेक्टर मे हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ
अल्टरनेटिव फॉर्म्स, वन इज डोमिनेंट व्हाइल अदर इज रिसेसिव। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि वन जीन कैन हैव ओनली टू अल्टरनेटिव फॉर्म कॉल्ड एलील्स, यानी कि डायलिक कॉन्सेप्ट यहां पर माना जाता है। ऐसे ही जहां पर ऐसा माना जाता है कि टू एलील्स के बीच ओनली डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जीन जेनेटिक्स में इस तरह से भी हम जो हमने जब क्वालिटेटिव की बात किया था कि डोमिनेंट डोज के नंबर्स बदलने से फेनोटाइप नहीं बदलता है, ठीक। इन सारी बातों को जो जेनेटिक्स जिन इन सारी बातों के ऊपर जो जेनेटिक्स बेस्ड है उसी को हम कहते हैं क्या, मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है ना। वो ये हमारी मेंडेलियन जेनेटिक्स है। और उससे हटके जो हमने बातें आपको नीचे लगातार दिखाई है वो सब क्या है, हमारी मॉडर्न जेनेटिक्स चीजें होती है। एक और बड़ी बात ध्यान दीजिएगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स का प्राइमरी मैटर ये है, याद रखिएगा कि अगर मैं कह दूं कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसा है। याद करिए मेंडल साहब ने पी प्लांट में काम किया था और पी प्लांट में हम सब लोग जानते हैं कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो पी प्लांट था और पी प्लांट में आप जानते हैं यहां होते हैं 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ये होते हैं। और कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे ये भी आप जानते हैं, तो मेंडल साहब ने कैरेक्टर स्टडी किए थे 7 कैरेक्टर पी प्लांट के स्टडी किए गए थे। तो यहां से आपको एक बात दिखाई पड़ रही है कि पी प्लांट के 7 कैरेक्टर स्टडी किए गए थे और पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो यहां से एक हमको रिलेशन दिखाई पड़ रहा है जो 1 और 1 का रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, ये 1 1 का रिलेशन दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरीज द जीन फॉर ओनली 1 कैरेक्टर, है ना। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरीज द जीन फॉर ओनली 1 कैरेक्टर, यानी एक क्रोमोसोम पर एक कैरेक्टर का जीन होगा, ऐसा होगा। जबकि आप जानते हैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप जानते हैं लिमिटेड होते हैं। पी प्लांट की बात किया जाए तो खाली 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन क्या पी प्लांट में खाली 7 कैरेक्टर ही होते हैं? अरे भाई 7 कैरेक्टर तो मेंडल साहब ने स्टडी किया था, और भी ढेर सारे कैरेक्टर हो सकते हैं और होते हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर तो हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम से अधिक होते हैं। कैरेक्टर तो आप जानते हैं हंड्रेड्स में हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं गिनाया जाए तो कैरेक्टर का नंबर हमेशा अधिक होता है और क्रोमोसोम का नंबर हमेशा कम होता है। ऐसे हम लोग अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है न्यूक्लियस में, तो 23 पेयर्स होता है। तो क्या ह्यूमन में सारे कैरेक्टर मिला कुल गिन के 23 होते हैं? अरे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं भाई, इसका मतलब कैरेक्टर तो है ढेर सारे, मोर देन 23, और जी और क्रोमोसोम कितने खाली 23। तो क्या आपको लगता है कैरेक्टर और क्रोमोसोम पेयर में 1:1 का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, कैरेक्टर्स हैं ढेर सारे और क्रोमोसोम्स हैं उससे हमेशा कम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में कहा गया था कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरीज द जीन्स फॉर ओनली 1 कैरेक्टर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यानी क्या हो सकता है कि एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर मोर देन 1 कैरेक्टर के जीन भी पाए जा सकते हैं। यानी यहां जो बात कही गई थी उसको अगर हम मॉडर्न में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऊपर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर हम क्या दिखाई पड़ रहा है कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरीज द जीन फॉर ओनली 1 कैरेक्टर, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहां हम क्या फाइनली कह सकते हैं कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 1 क्रोमोसोम या 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो सकता है, मे कैरी द जीन्स फॉर मोर देन 1 कैरेक्टर, एक से अधिक कैरेक्टर के जीन हो सकते हैं, ठीक। और एक बात आप और भी जानते हैं कि मेंडल के समय या मेंडल के फॉलोअर्स ने ऐसा माना था कि 7 जो कैरेक्टर है पी प्लांट के उनके जो जीन्स हैं अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट हैं, है ना, ऐसा माना गया था। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाद में आप जानते हैं
कि यहाँ पर विलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि मेंडल द्वारा स्टडी किए गए जो 7 कैरेक्टर हैं उनके जीन खाली 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, याद रखेगा वो क्रोमोसोम नंबर है 1 4 5 7, 1457 याद करिए, 1 4 5 7। यानी माना गया था कि 7 कैरेक्टर के जो रिस्पांसिबल जीन्स हैं 7 डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट हैं, लेकिन बाद में विलिस नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 7 कैरेक्टर के जो जीन्स आ देखिए फाइनली क्या पता चला, आर प्रेजेंट ऑन ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, और वो क्रोमोसोम कौन से हैं, 1 4 5 7, खाली फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और 7th, खाली इन्हीं 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर ये मेंडल द्वारा स्टडी किए गए 7 कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में माना गया था कि अलग अलग कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं आपसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक कैरेक्टर है, मान लीजिए यहां पर हमने कमाल कर दिया, मैं फ्लावर कलर कह दूं तो फ्लावर कलर के जीन मान लीजिए हमने कह दिया चलो इस पर है, तो प्लांट हाइट के जीन जो होंगे दूसरे क्रोमोसोम पेयर पर होंगे, है ना, सीड शेप के जो होंगे कहीं तीसरे पर होंगे, है ना, तो पार्ट कलर के कहीं और होंगे, यानी कि डिफरेंट कलर जो डिफरेंट कैरेक्टर के जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। और अगर ऐसा होगा भाई तब तो 7 कैरेक्टर के लिए 7 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने ही चाहिए, जैसे हमने 1 2 3 4 दिखाया है, आपकी रोड दिखा लीजिए ऐसे हो जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, यहां तो देख रहे हैं खाली फर्स्ट पे फोर्थ पे फिफ्थ पे और 7th पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात आपसे कह दिया जाए कि मान लो 7 लोग हैं और मान लो खाली 4 बाइक्स पे लोग बैठे हैं, 7 पर्सन आर सिटिंग ओनली ऑन 4 बाइक्स, तो अगर 7 लोग 4 बाइक पे बैठे हुए हैं तो क्या आप कहेंगे कि एक बाइक पे खाली एक ही आदमी बैठा हुआ है, नहीं भाई कैसे हो सकता है, जब 7 बैठने वाले हैं और 4 खाली बाइक्स हैं या 4 कार कुछ ही मान लीजिए आप, तो उस कंडीशन में जब बैठने वाले अधिक हैं और नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर कम है, इसका सर्टेनली कुछ ऐसी व्हीकल्स भी हैं जहां पर मोर देन 1 पर्सन बैठे हुए हैं, है ना, मोर देन 1 पर्सन बैठे हुए हैं, तो यहां पर व्हीकल का मतलब है क्रोमोसोम और पर्सन का मतलब हमारा जीन है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न जेनेटिक्स कहती है कि जो आप यहां पे कह रहे हैं कि जितने क्रोमोसोम पेयर उतने ही कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर का जीन एक क्रोमोसोम पर पेयर पर होगा, ऐसा ही केवल नहीं है बल्कि क्या है कि हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है कि एक ही क्रोमोसोम पेयर पर 2 or more than 2 जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि इसी क्रोमोसोम पर मान लो जीन यहाँ पर ए है और हो सकता है उसी पर जो हमारा दूसरा जो जीन है वो बी भी हो सकता है, उसी पर हो सकता है और भी जीन हो जाए, हो सकता जीन यहाँ पर सी भी हो सकता है, इस पर मान इसके होमलाग पर हम इसके रिसेसिव फॉर्म को प्रेजेंट कर दे इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या था कि डिफरेंट कैरेक्टर के जो जीन्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट हैं, है ना, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ठीक है ऐसा भी हो सकता है और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब यही क्वाइट पॉसिबल है कि मोर देन 2 कैरेक्टर के जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकते हैं, मोर देन 2 कैरेक्टर के जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर नोन एज लिंक्ड जीन, आप जानते हैं कि जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर नोन एज लिंक्ड जीन, यानी एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो कहलाते हैं लिंक्ड जीन कहलाते हैं, है ना, और इसकी इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो लिंकेज कहलाता है। और हम सब लोग जानते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर नहीं पढ़ी जाती है, मेंडल साहब को लिंकेज का पता नहीं था, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स में क्या है कि जो ये बात है ये भी हो सकती है और इसके अलावा हम यहाँ पर लिंकेज भी पढ़ते हैं, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की स्टडी भी हम लोग यहाँ पर करते हैं जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं थी, ठीक है ना। और आप लोग अगर मियासिस पढ़े ढंग से तो आप जानते हैं गैमेट के फॉर्मेशन के समय ये कहा जाता है कि वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो आप जान लीजिए कि अगर ऐसी केस हो कि डिफरेंट जीन्स अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट हो
तब तो आपको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियाटिक एनाफेस दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अगर क्रोमोसोम होगा तभी मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लाभ मिलेगा भी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा उसको फिगर थ्रू क्लियर कर दूंगा, अगर मैं देखिए जैसा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि हमारा ये मेटाफेजिक प्लेट है, इस पर एक क्रोमोसोम हमारे हैं, इस तरह हम अरेंज कर लेगा क्रोमोसोम्स को। तो मान लीजिए कहा जाए कि चलिए यहाँ पे वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये सब डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। मान लीजिए मैं कह दूं कि अगर ऐसा होता कि इस पर जीन ए प्रेजेंट है, यहाँ पर जीन हमारा बी प्रेजेंट है, यहाँ पर जीन हमारा सी प्रेजेंट है, ऐसा है। याद रखिए इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, समझिए इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यह होता है, ध्यान दीजिएगा कि इस क्रोमोसोम पेयर के सेपरेशन का इन दूसरे क्रोमोसोम पेयर के सेपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। याद रखिएगा इस क्रोमोसोम पेयर जिस पर कि जीन ए हमने प्रेजेंट होता हुआ माना है, इस क्रोमोसोम पेयर के सेपरेशन का जो रिमेनिंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम उनके सेपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। या सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोटिक एनाफेस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कहने का मतलब है, मान ली मैं कहूं अगर कि चलिए आपका जो क्रोमोसोम जिस पर जीन कैपिटल इधर आ रहा है, तो ये जो क्रोमोसोम जिस पर की जीन स्मॉल है इधर जाएगा, तो अगर इस पेयर का डोमिनेंट इधर आया और रिसेसिव वाला इधर गया, तो अब इस बी वाला, ध्यान दीजिए बी वाले का कौन सा क्रोमोसोम इधर आएगा ये कोई गारंटी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। जहां पर इनका डोमिनेंट आया है वहां इनका डोमिनेंट आ सकता है ना, और जहां इनका डोमिनेंट आया है वहीं इसका रिसेसिव भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी कि इनका कौन सा क्रोमोसोम किधर जा रहा है इसके जाने का बाकी क्रोमोसोम पेयर से कोई रिलेशन नहीं है। यानी जिधर इनका डोमिनेंट एलील वाला क्रोमोसोम गया उधर दूसरे का डोमिनेंट एलील वाला भी क्रोमोसोम जा सकता है, और जहां इनका डोमिनेंट गया वहीं इनका रिसेसिव भी जा सकता है। यानी एक क्रोमोसोम के सेपरेशन का दूसरे क्रोमोसोम के सेपरेशन से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, यानी क्रोमोसोम पेयर का जो सेपरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यही आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेसिस बनता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो तब ना आपको दिखाई पड़ेगा जबकि डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर जो होंगे उन पर डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो डिफरेंट जो हमारे जीन्स हैं डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट हो, यानी एक एलील एक क्रोमोसोम पेयर पे हो तो बी के लिए दूसरे क्रोमोसोम पेयर पे हूं, तो जीन सी के लिए तीसरे क्रोमोसोम पेयर पर हूं, ऐसा होता ना, ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं नहीं ये फिगर नहीं बल्कि हमारी ये फिगर है, अगर मैं फिगर ऐसे बना लेता और वहां पे कह देता कि हमारे जो ऑल द थ्री जीन्स हैं, मान मैं कह देता कि हमारे जो तीनों जीन हमारे दिखाई पड़ रहे हैं यहां पर वो इस तरह से एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट है, तो अगर एक ही क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट अगर आप कर देंगे तो क्या लगता है कि जिधर ए जाएगा उधर जिधर कैपिटल जाएगा वहां कैपिटल बी नहीं जाएगा? अब तो भाई तीनों के तीनों एक साथ जाएंगे, है ना, तीनों यहां पर एक साथ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है वो इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोमल सेपरेशन पर बेस्ड है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है क्रोमोसोमल सेपरेशन का सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिफरेंट जो कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट हो, यानी जब लिंकेज ना हो। लेकिन जब लिंकेज हो जाएगी तब आप जानते हैं वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर क्या हो जाएगा कि जितने भी लिंक्ड जीन्स होंगे वो एक हमेशा एक साथ जाएंगे, है ना। यानी अब यहाँ पे नहीं हो सकता कि जहां पर कैपिटल ए जाए वहां स्मॉल बी जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, यानी जिधर कैपिटल ए जा रहा है उधर कैपिटल बी कैपिटल सी जाना चाहिए, ये होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जहां पे कैपिटल ए जा रहा है वहां स्मॉल बी भी जा सकता है, और इसके लिए आपने प्रोसेस पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरह से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात आपको ऐसे केसेस में दिखाई पड़ेगी जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की जाती है, जबकि यहाँ पर मेंडेलियन जेनेटिक्स में कभी भी हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करते हैं।
जबकि यहाँ कंकार है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा कम होते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर हमेशा ही अधिक होते हैं। यानी यूं समझिए कि बैठने वाले हमेशा अधिक होते हैं और गाड़ियां हमेशा ही कम होती हैं, और इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ही गाड़ी पर कई लोग बैठते हैं, यही तो होता है। और यही बात यहाँ दिखाई पड़ रही है, गाड़ी का मतलब समझ लीजिएगा, व्हीकल का मतलब है नंबर क्रोमोसोम और बैठने वाले का मतलब है जीन्स। ठीक, इसका मतलब कि एक ही व्हीकल पे, एक ही गाड़ी पे, एक ही क्रोमोसोम पे मोर देन वन एलील या जीन भी हो सकते हैं। इस तरह से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की जो इवेंट है वो आपके मॉडर्न जेनेटिक्स की है, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं पता थी। तो इस तरह से हमने एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बता दिया कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप क्या क्या सपोज करके पढ़ रहे होते हैं और मॉडर्न में उसका कैसे कैसे उसका वेरिएशन हुआ है। तो ये सारी बातें अगर आपको एक साथ अगर पता रहेंगी तो इस कंडीशन में अब आप आसानी से जीन इंटरेक्शन हम रिपोर्ट से पढ़ सकते हैं। और एक और पॉइंट, और एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट ये है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स मानती है कि जीन्स एंड देयर एलील्स फंक्शन इन आइसोलेशन। ये सेंटेंस आप याद रखिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स ये मानती है कि जीन्स एंड देयर एलील्स, एंड देयर एलील्स फंक्शन इन आइसोलेशन, फंक्शन इन आइसोलेशन। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि एक जीन जिस करेक्टर के लिए है खाली उसी करेक्टर को वो अफेक्ट करेगा और दूसरे जीन से उसका किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। यानी हर जीन अपना अपना काम करते हैं, हर जीन अपना अपना काम करते हैं। जैसे मान लो पी प्लांट की बात करें तो फ्लावर कलर वाला जीन अपना काम करेगा, मतलब फ्लावर कलर को डिसाइड करेगा। प्लांट हाइट वाला जीन अपना काम करेगा। यानी हर जीन अपना अपना काम करता है, किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि दैट इज नो इंटरेक्शन एट ऑल, कोई इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जबकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका है, उस चैप्टर का नाम ही है जीन इंटरेक्शन। इसका मतलब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट जीन्स एंड देयर एलील्स क्या करेंगे, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, उसमें डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। और आज के डेट में तो हम एक्चुअली क्या कहते हैं कि कोई जो पर्टिकुलर फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट क्या है, वो किसी सिंगल जीन का वो इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो मोर देन वन टाइप्स ऑफ जीन्स एंड देयर एलील का क्या है, वो इंटरेक्शन का रिजल्ट है। हमें कह सकते हैं कि कोई अगर पर्टिकुलर फिनोटाइप को दिखाई पड़ रहा है तो किसी एक जीन का वो आउटकम नहीं है, एक जीन का वो प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि क्या है कि कई जीन यानी मोर देन वन जीन के इंटरेक्शन का वो रिजल्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कोई इंटरेक्शन नहीं होता है और यहाँ हम पूरा पूरा चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीन इंटरेक्शन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हम इंटरेक्शन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इतने सारे पॉइंट आपको एक साथ याद करना चाहिए, समझना चाहिए कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो किन किन सपोजिशंस पर बेस्ड है, क्या क्या वो सपोज करती है और मॉडर्न जेनेटिक्स में उसका क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो इससे सारी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो फिर आप जीन इंटरेक्शन को बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। इसमें तमाम हम लोग ट्रिक्स यूज करने वाले हैं रेशियो निकालने के लिए। और हाँ, एक बात और मैं कहना भूल रहा था, वो बातें है कि जो हम लोगों ने नॉर्मल रेशियोज पढ़ी हैं, वो रेशियो क्या पढ़ी हम लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा कि मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटाइप रेशियो क्या 3:1 होती है और डाईहाइब्रिड जो होती है फिनोटाइप रेशियो क्या होती है 9:3:1 होती है, ठीक है ना। वो सारी की सारी रेशियो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएंगी। यानी जो हमने मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटाइप रेशियो 3:1 पढ़ा है वो मॉडिफाई होकर के कहीं आपको दिखाई पड़ेगी 1:2:1 दिखाई पड़ेगी, तो कहीं वो 2:1 दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही जो हम लोगों ने 9:3:1 जो रेशियो पढ़ा है F2 डाईहाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो वो यहाँ पर बदल जाएगी और बदल के कभी 9:7 हो जाएगी, कभी 9:3:1 हो जाएगी, कभी 13:3 हो जाएगी, कभी 12:3:1 हो जाएगी, कभी 15:1 हो जाएगी, मतलब जो तमाम मॉडिफाइड वर्जन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से जो हम लोगों ने नॉर्मल रेशियोज पढ़ी हैं नॉर्मल क्लासेस के, वो सब के सब यहाँ पर मॉडिफाई होकर दिखेंगी। तो आज का क्लास बस इतना ही, अगले क्लास में वो सारे रेशियो आपको हम निकाल के दिखाएंगे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में नॉर्मल रेशियोज थी वो बदल के क्या क्या हो जाती हैं, कितने टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं, कब कहेंगे उनको हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन और कब कहेंगे उनको हम
इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन, ये सारी बात हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अगली क्लास में फिर इसी जेनेटिक्स के इस टॉपिक को हम आगे पढ़ा के मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे, गुड बाय।